बस और थोड़ा सेहत का भी लिहाज करें। और दिन हजरात बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोग भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। बहुत अच्छी बात। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही इंतहाई क्यूट कपल जो हजरत हैं, वो तो पाकिस्तान की टीम के ODI और टेस्ट के काबिल ओपनर हैं। 50 से ऊपर की एवरेज, कई मैचेस में कामयाबियां दिलवा चुके हैं। जो उनकी आज वो अपनी ओपनिंग पार्टनर के साथ नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर के साथ आए हैं, जो खुद नॉर्वे के अंदर एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। तो आज हमारे सेट पर मौजूद है एक इंतहाई प्यारा जोड़ा, इमाम उल हक और अनमोल। वेलकम बैक। थैंक यू। भाभी आप बैठ तो गई मगर गुस्ताखी ऐसी है कि हमारे शो पे बैठने से पहले एक शेर सुनाना पड़ता है। आप में से कौन शेर सुनाएगा बैठने से पहले? बैठने से पहले सुनाना है? पहले बैठ के फिर निकलता नीचे। रिश्तों को कुछ इस तरह से निभा लिया करो। वाह। रिश्तों को कुछ इस तरह से निभा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। वाह वाह। वेलकम टू असलम मनाए। पहले तो बहुत माजरत, आपने हमसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज कभी बेगम के साथ ना बुलाना, हमने तब भी जिद की और आज बुला ली। भाई बहुत दोनों प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, मैं और अनमोल। मजाक कर रहा हूँ यार, इंतहाई हैंडसम, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई डैशिंग ऑडियंस में लड़के बैठे हुए, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। मैं मिस कर रहा था ये वाली। अच्छा इमाम ये बताइए कि आप टेस्ट और वनडे में ओपनिंग करते हैं और आपका स्टाइल है, आप आते हैं पहले थोड़ा देखते हैं, आई सेट करते हैं, फिर खेलना शुरू करते हैं। तो इस मामले में जब आपने भाभी को पहली बार देखा तो लव एट फर्स्ट साइट था या यहाँ पे भी आपने थोड़ा टाइम निकाला? टाइम निकालना मेरे ख्याल से इस वाली लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम निकाला। ऐसा नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट, और मैं कुछ शोज़ में ये बोल भी चुका हूँ कि मैं लव पे इतना ज़्यादा बिलीव ही नहीं करता, बिलीव नहीं करता। फंसे हो गया आप? तो इसीलिए मैं इस चीज़ में नहीं, मैंने जो है ठीक ठाक टाइम लिया। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 साल लगे हमें एक दूसरे के साथ इस चीज़ को समझने के लिए कि वी आर लाइक अ गुड पार्टनर्स टू गेट मैरिड। तो काफ़ी टाइम लगा, 2-3 साल लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। अरे वाह, वेरी नाइस। इनका पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। अभी ये क्या किया? आपने भी जब आपको भी ऐसा लव एट, आपको पता था क्रिकेट खेलते हैं, आप नॉर्वे में रहती हैं, वहाँ पर डॉक्टर हैं माशाल्लाह, किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? अभी तो वैसे जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन हैं आप। तो आप कब, आपको पता था ये शख्स, एक लड़का रहता है पाकिस्तान में जो मशहूर भी है वहाँ पर? हाँ, ये अंदाज़ा था आपको? पता था। तो जब ये इन्होंने, एक तो स्टोरी दोनों की डिफरेंट है, ये तो आपके भाई के थ्रू आए। हाँ जी। मैंने पहली बार देखा है किसी लड़की से प्यार करने के लिए कोई पहले भाई को फंसाए। फंसाया नहीं, आपको गलत थोड़ी सी, दोस्त बनाया, दोस्त बना, लेकिन नियत बनाया नहीं, बन गया, बन गए, इत्तफाक था। क्योंकि वो बस क्या था कि हम PSL खेल रहे थे दुबई में, तो ये अपनी फैमिली के साथ उधर आए हुए थे। मेरे ख्याल से फैमिली की जो है छुट्टियों पे आए हुए थे, तो इनके भाई को बेसिकली क्रिकेट का शौक है, तो उन्होंने, मुझे याद है कि पिक्चर का और ऑटोग्राफ का आया था, तो वो फिर वो आए थे इस तरह जो है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है, हम आप जो है आप खाने पे चाहिए, तो फिर इस तरह हमारी एक लड़की आई हुई थी उस दिन। हाँ जी, यही वजह थी कि नहीं, मैं उस दिन भाभी से नहीं मिला, उस दिन सिर्फ इसके भाई से मिला। तो वो तो फिर जब हम खाने पे गए तो फैमिली आई, तो फिर इस तरह मुलाकात। आप मैं भाई से मिलता रहूं, अब मैं भाई से मिलता रहूं, ये जरूरी था, तो फिर मैं भाई से मिलता रहा। अच्छा भाभी, जब आपको पता चला ये होने, ये चाहते हैं ऐसा कुछ, तो आपका क्या इंप्रेशन था फर्स्ट? आप ओवरवेलम लोग हैं, ये क्रिकेटर है, मशहूर है, यार अरे ये ऐसा मुंह बनाया आपने? फिर ये इन्होंने मनाया कैसे, सेंचुरीज स्कोर की तब आपको यकीन आया या बस आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो ऑन यू? हाँ, आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ही हुआ था। आपको अंदाजा हुआ पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है? या वेरी डिसेंट। अच्छा, और आप शादी को कई महीने हो चुके हैं, आपको एहसास हो गया कि आप सही थी या गलत थी? इवन मोर डिसेंट नाउ। शादी बाद और डिसेंट हो गई है? यार इस पे तो क्लैपिंग करो यार, कैसा? क्या करोगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा उन्होंने आपको इतना धोखे में कैसे रखा हुआ है। बहरहाल बातचीत आपसे करेंगे, मगर मुझसे ज़्यादा उतावले ही ऑडियंस मेंबर हुए हैं आप लोगों से सवाल करने के लिए, दोनों से इनके पास चलते हैं कि करके सवाल लेते हैं, फिर आप वापस आते हैं इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? शाहिद। शाहिद भाई क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर हूँ जी।
माशाल्लाह फोटोग्राफी करते हैं आप जी जी, और शादियों की या प्रोफेशनल किस चीज की? प्रोफेशनल शादियों की। प्रोफेशनल शादियों की? प्रोफेशनल किस किस्म की प्रोफेशनल शादियों की? अच्छा, अच्छी शादियां लग रही हैं। कोई सवाल करें? अच्छा, मेरा दोनों का सवाल है जी, शादी के पहले वाली लाइफ में और बाद वाली लाइफ में क्या चेंज महसूस करते हैं आप? पिछले 1.5-2 साल में हमने खेला कम है, शादियां ज्यादा हुई हैं हमारे लड़कों की, तो मुझे एज सच कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ मेरी, क्योंकि मैंने जैसे आप पहले ही ताबिश भाई को बताया कि 2 साल थे फ्रेंडशिप को, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह का मैं हूँ मेरा जो पार्टनर है ना वो मेरी लाइफस्टाइल और मेरी चीज़ों को समझे, तो मुझे एज सच कुछ इतना कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। शी नोज मी वेरी वेल और मुझे अभी तक कुछ ऐसा मुझे ऐसा नहीं कि मुझे यार मुश्किल हो रही है और मुझे ये चेंज करना है। एक थोड़े मोड एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से सब लड़कों को करने पड़ते हैं और वो इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। क्या आपकी एडजस्टमेंट हो गई है? जी मेरी एडजस्टमेंट हो गई है। शादी की पूछ रहे हैं? इनकी एडजस्टमेंट हो गई है। ओके जी। शाहिद भाई आप माइक मुंह को लगा के रखो, मैं आपसे दिलचस्प लग रहा हूं, आप दिलचस्प। जी जी। हां जी। आपकी अपनी हो रखी है? आपसे अपनी पैंट की एडजस्टमेंट तो हो नहीं रही, आप मेरे से शाहिद भाई आपकी शादी तो पुरानी होगी अब। जी जी। पुरानी शादी होगी तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? बहुत चेंज आया। प्रोफेशनल थी शादी? प्रोफेशनल शादी में। क्या आपकी शादी में आपने खुद फोटोग्राफी की? मैं बहुत चेंज आया। बहुत क्या आपको मेजर चेंज? अल्लाह ने बेटे दिए, औलाद दी, कितना चेंज आया? चेंज नहीं आया भाई, चेंज नहीं कहते आई ना इसे, नई चीज। पुराने बच्चे नए तो नहीं हो गए होंगे, नए बच्चे आ रहा है। ये किस किस्म का चेंज है भाई? तो होता ही है शादी के बाद। शादी के बाद चेंज आ ही जाती है। आ ही जाती है। वेरी गुड, बैठ जाइए, बैठ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा फैसल। थोड़ा माइक करीब करती हैं। आयशा फैसल। आयशा आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूं। आप हाउसवाइफ हैं? जी। वेरी नाइस। अब बात करेंगी? मैं पूछना चाहूंगी आज आप दोनों ने ब्लैक क्यों पहना हुआ है, क्या रीजन है, इसकी प्लान की है या? आप दोनों ने आज काला जोड़ा पाया है किसकी फरमाइश पे? एक दूसरे की। एक दूसरे की? आपने कहा यार यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक है? हाँ वो वाला एक मिथ है कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक। ये सही भी है। इनको इनका था तो फिर मेरे पास, सच बताऊँ ना, था मेरे पास कपड़े फिलहाल नहीं मिल रहे थे। अच्छा मैं एक बात बताना चाहूँगा, यूजली मैं काफ़ी काम किया है इमाम के साथ और अपने कपड़ों के बारे में काफ़ी केयरफुल रहते हैं, क्या लेकर आना है, कैसा लगूंगा, सबसे बाल भी एक आध घंटा फैसल जो इनके साथ है वो इन्हीं का वो ओपनिंग पार्टनर वो लगता है तो। और भाभी आप भी इतना ही टाइम लगाती हैं या आपको लगता है ये ज़्यादा है इस केस में? आई थिंक ये ज़्यादा है। ज़्यादा शौक है ना बाल वाले, बहुत टाइम लगाते हैं ना लड़का। गुड बोल रही। तैयार होने में जब कहीं जाना होता है सबसे पहले कौन तैयार होता है? आप खड़ी होती है ना इमाम, जल्दी करें। को सच बताए, सच दोबारा बोलना इस बात पे, आप 2 दफ़ा कहना सच बताए, सच बताए। अजन आपकी अपनी बेगम है, आप डायरेक्ट अगर आप में इतनी हिम्मत है आप कह दो। इनडायरेक्ट आ रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट। अभी ऐसा है टाइम लगाते हैं, सच बताए आप प्लीज। टाइम तो लगाते हैं लेकिन आप तब भी थोड़ा लीड ले लेती हैं। जी ये होता है भाई, खवातीन को बहुत सारे और भी काम होते हैं, हम लोग तो क्या है जैसे ही बोला तैयार हो नहाए धोए फुट करके पहन लिया। अगर मेरा टाइम ज़्यादा भी लगेगा ना, जैसे अगर मैंने 30 मिनट्स में तैयार होना है तो उसमें से जो है ना 20 मिनट्स बालूंगा, बाकी 10 मिनट में मैं रेडी हो जाता हूँ। ठीक है ये तो मुझे पता है। हाँ, लेकिन जो आप फैलाते हो, जो आप तैयार होते हुए कपड़े फेंकते हो, उनको समेटने के बाद वो तैयार हो रही है ना यार, ऐसा है नहीं है पता मुझे, क्योंकि मेरा खुद का यही है भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब। मीरब क्या करती हैं आप? टीचिंग करती हूँ। किसकी? स्कूल में टीचिंग। मैं समझ गया, क्या पढ़ाती हैं आप? 1-2 क्लास को पढ़ाती हूँ मैं। ये बता नहीं रही क्या पढ़ाती हैं? मैथ्स। मैथ्स पढ़ाती हैं 1-2 क्लास को, बड़ा मुश्किल काम है उनको ये समझाना। जी बिल्कुल। लीजिए इनका हिसाब लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम अनमोल मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये कि मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इमाम सर अपने हेयर्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि आपका? बालों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं या आप? बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। सच सच बताइएगा। सच बताएंगी आप? आप हंसी बता रही है कि आप सच बोल रही हैं? नहीं मेरा है। आपका ख्याल रखते हैं बालों से ज़्यादा? हाँ जी हाँ जी। आप अगर कह दें कि इमाम आज आप बाल पूरे छोटे करा दें? मैं खुद ही नहीं बोलूँगी। आप बोलेंगी नहीं? इनको मेरे पे वैसे भी बड़े बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये तो मुझे कहती है बड़े करो, मैं करता नहीं।
अच्छा अच्छा हाँ जिस दिन बाबर कहेंगे कर लेंगे देखना अगला कॉल थैंक यू बहुत शुक्रिया आप बड़े बाल अच्छे लगते ओके थैंक यू अस्सलाम सर अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है सर मेरा नाम मोहम्मद फयाज मोहम्मद फयाज फयाज भाई क्या कर लेते हैं सब कुछ कर लेता हूँ सब कुछ कर लेते हैं आप अभी क्या करके आए अभी मैं खाना खा के आया हूँ माई करीब अभी खाना खा के आया हूँ मैं खाना खा के आए हाँ जी अब क्या करेंगे जो कहेंगे वही कर दूंगा सवाल करें सवाल मेरा माशाल्लाह इमाम भाई से क्वेश्चन है कि माशाल्लाह आप शादी होगी आपकी माशाल्लाह आपको खाना भाभी का अच्छा लगता है कि आपकी अम्मी का बना हुआ खाना अच्छा लगता है फुल मिर्चे लगाने वाला सवाल पप्पो वाला सवाल किया है खाना भाभी कुकिंग करती हैं हाँ जी करती हैं तो अब बच्चों को लड़कों को तो अपनी अम्मी का खाना बचपन से पसंद होता है अब हिम्मत है किस चीज़ की अम्मी का खाना पसंद करने की देखिए मैंने सारी ज़िंदगी अम्मी के हाथ का खाना खाया है तो अब हमारे घर में सबका दिल चाहता है कि क्योंकि इनके खानों का ना इनके जो क्या कहते हैं उसे मसाले इनके वो डिफरेंट है वहाँ के नॉर्वेजियन मसाले हैं तो ये अभी जब वापस आई हैं 3-4 महीने बाद तो इनके पास इतना बड़ा बैग था जो अपने मसाले उसमें लेके आई हैं अरे वो मसाले हमारे जैसे कोई नाम इंग्लिश में लिखे हैं बस हल्दी को कुछ और कह रहे हैं वो तो ये हमारे घर में जो है उनको शौक है कि अनमोल कुछ नया बनाए क्योंकि इनका टेस्ट हमारे जो पाकिस्तानी खाने उनसे काफ़ी डिफरेंट है काफ़ी डिफरेंट है तो वो एक नया चेंज आ जाता है जैसे अगर हमने घर में कढ़ाई बनाई है और इनकी कढ़ाई का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो वो नए ट्राई के चक्कर में भाईजान सिर्फ ये बताना था अम्मी का अच्छा इनका अच्छा है आप घुमाओ नहीं हमें मैं कोशिश कर रहा हूँ सेफ हो जाऊँ किसी तरह मुझे फिलहाल इनके खाने पसंद आ रहे हैं आंटी देख ले अब शादी कुछ महीने ही हुए अभी सिर्फ खाना उनका पसंद आया हाथ से निकल रहा है लड़का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है भाई कलीमुल्ला कलीमुल्ला भाई क्या करते हैं आप सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट जॉब है या थोड़ी खुली जॉब है प्राइवेट जॉब क्या किस डिपार्टमेंट में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जी सर सवाल करेंगे मेरा भाभी जी से सवाल है कि इमामुल हक भाई का ज़्यादातर वक्त बाबर भाई के साथ गुजरता है आपको इनकी दोस्ती से कभी जेलसी फील हुई अभी मैंने सुन रखा है एक बात बताऊंगा खुद एक्सपीरियंस भी किया है ये देखो आप तस्वीर देखो आप ये आपने एल्बम नहीं देखी थी मैं बाबा पूरी एल्बम है ये अच्छा ये बताइए मैंने देखा हुआ भी एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि जो बेगमात होती हैं उनको आने के बाद जो शख्स सबसे बुरा लगता है वो दोस्त का बेस्ट फ्रेंड होता है अक्सर क्योंकि उसी के साथ टाइम पास भी है कुछ उसी के साथ राज भी शेयर आपको फिर ऐसा हुआ तकलीफ या आप भी बाबर की फैन थी बाबर इज अ गुड कंपनी तो आपको जेलसी नहीं महसूस हुई नहीं नहीं और ये एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं उनके साथ गुजारते ऐसा आपका टाइम छीन के ये हम साथ ही होते थे तो आप सब साथ ही घूमते ये आपने ये अच्छी स्ट्रेटजी बनाई भाई ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी हम ये नहीं कर पाए नहीं असल में इसकी खुद भी बाबर से काफ़ी अच्छी बन गई है दोस्ती तो बस आसान हो गया वो तो होता है ना कि अगर आपके बेस्ट फ्रेंड की आपकी वाइफ से भी ना बने तो वो फिर कहे कि हाँ मगर ये है कि वो बाबर लड़का ही ऐसा है कि उसकी ना हर किसी से बन जाती है तो उनकी अपनी लाइफ में क्यों नहीं बन रही मतलब एंगेजमेंट शादी क्यों नहीं हो रही उनकी मुझे अभी आप ढूंढ रही कभी आपसे उन्होंने कहा मेरी लड़की ढूंढने नहीं ये भी नहीं कहा आपसे भी नहीं कहा कोई और किसी और को कहा होगा फिर भाई क्योंकि अम्मी अब्बू को ही कहा होगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है भाई फरजाम आप क्या करते हैं मैं लैब टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट हूँ हेल्थ केयर का लैब टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर जी जितनी इंग्लिश के लफ्ज़ थे वो सब मिला के आपने नौकरी शुरू कर दी हमारे मल्टीपल काम है ना तो सब कुछ करने पड़ते हैं मल्टीपल काम वेरी नाइस कोई सवाल जी क्वेश्चन है मेरा मिस्टर इमाम के लिए आपके लिए कि बाबर आजम आपके फ्रेंड है आप दोनों माशाल्लाह से एंकर बैट्समैन है काफ़ी परफॉर्मेंस है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लेकिन कुछ शॉर्ट्स होते हैं आजकल की आपको पता है वनडे क्रिकेट जो है खत्म हो रही है कम हो रही है और T20 क्रिकेट पर ज़्यादा क्रिकेट फोकस कर रही है और डेविड वॉर्नर भी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आके बाबर को कहा था जरा मसल बिल्डिंग करें जरा इस पर फोकस करें तो वो क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि आप क्या सोचते हैं कि आपको मसल बिल्डिंग की ज़रूरत है पावर हिटिंग करने की बिकॉज जब आपकी क्रिकेट को हम देखते हैं तो वो इस तरह लगता है कि आपने पहले से माइंड सेट बनाया होता है कि आपने किसी बॉलर को ऑन द ग्राउंड खेलना है ऑन द एयर खेलने में आपको क्या मतलब माइंड सेट में कोई हेजिटेशन है या क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी थ्रू द एयर खेल हवा में क्यों नहीं खेल रहे हो आप डरते हैं मतलब क्या माइंडसेट है आपका लॉफ्टेड शॉट्स में आप मतलब नहीं इतना आपको कट पाए T20 के हिसाब से जस्ट आप और बाबर दोनों देखो बाबर तो खेल रहा है काफ़ी अरसे से T20 खेल रहा है हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है मेरा फॉर्मूला ये है कि आप मैचेस पाकिस्तान के लिए जीत रहे हो या नहीं जीत रहे ठीक है अब आप 6 बॉल आपको मिल रहे हैं उसमें आपने 6 बॉल पे 6 रन
छक्के से मारने या छः सिंगल लेने, इन द एंड रिजल्ट मैटर करता है अगर आप जीत रहे हो या नहीं जीत रहे। और बिल्कुल आप वाली बात सही है कि जिस तरह आगे वाली क्रिकेट जा रही है उसमें ये नहीं होता कि आपके मसल बिल्ड हो जाएंगे तो आपको छक्के मारने आ जाएंगे, छक्के मसल से नहीं लगते, टाइमिंग से लगते हैं। ठीक है, तो आपकी क्रिकेट बिल्कुल हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बैट्समैनों को अब जहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट के इस वक्त एथलीट्स और जितने प्लेयर्स जो है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें उधर बिल्कुल उनको कम्पीट करने के लिए हमें अपना लेवल जो है एक लेवल हमें हम ऊपर जाके खेल करना पड़ेगा। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि एक टाइम आता है कि आपने पिछले 7 साल से खेला है फिर आप देखते हैं कि यार हाँ अब थोड़ा सा हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वो हम एज अ प्लेयर समटाइम्स आप लोगों को लगता है कि कर नहीं रहे लेकिन कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में एक वक्त होता है, एक टाइम आता है कि फिर आप करते हैं। और दूसरी बात, वो वार्नर वाली के बाबर को उसने ये नहीं कहा था, आप लोगों का सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों को लगा कि शायद उसने कहा कि आपके बाजू पतले हैं, ऐसा है नहीं, वो कुछ और एक फनी उसमें था। बाजू की बात नहीं हुई थी, बाजू की बात नहीं हुई थी, क्या क्या पतला था कांगे क्या? नहीं वो एक, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि कुछ पतला था, कुछ पतला था, ये यही याद है बस मुझे। आपने भी कहा था प्रोटीन खाना चाहिए पावर रेटिंग के। यार अब बात ये है कि वो तो मैंने मजाक में एक टॉन्ट मारा था, इतना मजाक करते क्यों हो? जर्नलिस्ट में हमने टॉन्ट मारा था क्योंकि अपना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था वो। अब उस वक्त जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है फिर आवाम कहाँ छोड़ती है, और माशाल्लाह मीम्स बना, आप लोग खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे यार। हाँ, बिल्कुल, तो हम लोग देखते हैं मीम्स कभी कभार जब आते हैं तो फिर हम शेयर भी करते हैं। तो उस वक्त जब ये वर्ल्ड कप में मैंने बोला उसमें ये जर्नलिस्ट ही लग रहा था भाईजान कि इसने जो उसने सवाल किया तो उसने भी यही सवाल किया था कि आप लोग जो है ना कोई 10 ओवर में छक्का नहीं लगा, कोई हो गया तो बाबर की चेक कर रहे थे ना। हाँ जी, ये ऐसा भी पकड़े हुए ये क्या आप? लेकिन कॉन्टेक्स्ट कुछ और था बात का। अच्छा। ये बात नहीं थी, वो इस वक्त पिक्चर में ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा था नहीं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो मैं मान रहा हूँ, मान ले, मान लो, मैं भी भाभी की तरह हर चीज मान जाऊंगा जो आप कह रहे हो। सच बोला तो दोस्त नाराज होगा और झूठ बोला तो डेविड वार्नर नाराज होगा। अच्छा नहीं, मजाक करो, ब्रेक ले, वापस आए और हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाएं। अब आप टंकी फुल हो गई, बंद कर दे। पाकिस्तान में काम ही सारे जोर से होते हैं। समझ आ गई मुझे। अच्छा, आप सबसे ज्यादा जोर से इमाम बोल सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इमाम दूसरे कमरे में, खुदा ना खास्ता कमरे में कुछ इमरजेंसी हो गई है, सी टेक्स्ट, अगर मैं नीचे हूं तो आवाज नहीं देती, ये टेक्स्ट करती है कि ऊपर आ जाए। अच्छा सोचे मोबाइल नहीं, आपने इमाम को बुलाना है। अच्छा टेक्स्ट भी तो छोटे लेटर्स में करती होंगी, कैप्स में लिखती होंगी। वैसे तो और दिल कर रहा है, वैसे तो हो गई, हाँ जी, और दिल भी कर रहा है, और भी कर रहा है इस उम्र में करता है। अच्छा वैसे क्या करते हैं सर आप? खुद मैं कारपेंटर हूँ। माशाल्लाह कारपेंटर, कोई सवाल करेंगे जी? मेरा इमाम साहब से यह सवाल है कि इमाम साहब से जी जी रोजे के फराइज क्या है? इमाम साहब से रोजे के फराइज कि आपको इनकी लाइफ पार्टनर में आपको आदत अच्छी कौन सी लगती है और कौन सी बुरी? क्या कह रहे हैं आपको? नहीं, आपको अपनी लाइफ पार्टनर में। अच्छा, पहले मैं भाभी से पूछूंगा, सब छोड़ दो, पूछ ले, ये बात आपसे नहीं करूंगा, मेरी कोई आदत बुरी है ही नहीं। अच्छा, ये खुद ही पहले इतना डरा दिया, मेरी कोई आदत बुरी नहीं है। मेरी बात सुनो, जब आदमी की शादी होने लगती और अभी प्री मैरिज जो हमारा फेज होता है मंगनी का या बातचीत का, उसमें लड़के वो लड़का बन जाते हैं जो लड़की को चाहिए होता है। लड़की ने बताया होता है ना, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो काम हो, डिसेंट हो, उसके सिक्योर फील करो। हम वैसे हम क्या होते हैं वो गीदर, क्या होता है वो क्रिकेट क्रिकेट की तरह ना, हम वो बन जाते हैं। ये भी बने होंगे, वादे किए होंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, ये सब छोड़ दूंगा, वो सब छोड़ दूंगा। इन्होंने क्या क्या छोड़ा? इस तरह की मुस्कुराहट ज्यादा फंसा रही है भाभी। इन्होंने कुछ आदतें छोड़ी? फोन में भी कम इस्तेमाल करते हैं। कम इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। और आपने कोई ऐसी आदतें जो शुरू में छुड़वाई होंगी? भाई ये नहीं, भाई ये नहीं। मैं चाहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि यार थोड़ा जोर से बोला करो। अगर आप इस शो में भी देखें, नोट, हम भी चाहते हैं भाभी इस शो में भी देखिए ना, तो अच्छी बात। ये बहुत दिन ये जोर से बोलने लगी उस दिन ये आप जब तक है ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि मेरी अम्मी को ना थोड़ा एयर का प्रॉब्लम है, तो वो उनको ना जरा कम सुनाई देता है,
तो ये जब नई नई आई ना, तो ये कोई भी कोई बात करे ना तो मेरी अम्मी को समझ ही नहीं आती थी, आवाज़ ही नहीं आती थी। और ये तो फिर अब हम सारे घर वाले इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कहती भी होंगी कि बदतमीज लड़की है, इतना सलाम करती है ना दुआ, जबकि सब कर रही हैं। तो इसको फिर हमने कहा, सब घर वाले इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार यहाँ पाकिस्तानी ना जरा जोर जोर से बोल, लिख के दे दो। तो इनका ये मुझे थोड़ा सा शुरू में लगा, मैंने कहा यार थोड़ा जोर से बोला करो। अभी इस शो में भी मैं दो दफा कह चुका हूँ, मैं बोल रही हूँ माइक तो लगा हुआ। अच्छा ये असर, ये आदत आपकी नॉर्वे से पड़ी होगी, वहाँ लोग बड़े काम और कलेक्टेड और अपने काम से काम सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। बिल्कुल हाँ जी, यहाँ पर होते ना परवेज मोहल्ले के सारे परवेज आ जाते हैं, पानी का वॉल खोल दे, अब टंकी फुल हो गई बंद कर दे। पाकिस्तान में काम ही सारे जोर से होते हैं, समझ आ गई मुझे। अच्छा आप सबसे ज्यादा जोर से इमाम बोल सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमाम दूसरे कमरे में, खुदा ना खास्ता कमरे में कुछ इमरजेंसी हो गई है, शी टेक्स्ट, अगर मैं नीचे हूं तो आवाज नहीं देती, ये टेक्स्ट करती है कि ऊपर आ जाए। अच्छा सोचे मोबाइल नहीं है, आपने इमाम को बुलाना है। अच्छा टेक्स्ट भी तो छोटे लेटर्स में करती होंगी, कैप्स में लिखती होंगी। तो जब आप मैक्सिमम इमाम कितनी जोर से बोल सकती? मैंने कभी नाम लिया ही नहीं, मेरा नाम नहीं लिया। क्या अभी क्या गफूर कहती है, क्या कहती है? बस बाबर के दोस्त कहती है, क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती, सुने सुने कहती है। हाँ ये कह देती है, सुने बात सुने, बात सुने, सुन लेती। हाँ जी उसी में सुन लेती। सुन लेता हूँ यार क्या हो। अच्छा भाभी आप मुझे बताएं खुल के, जब ये लोग मैच हार जाते तो और ये घर आते तो आप हमारी तरह वही कह रही होती हैं इनको जो हम दिल में कह रहे होते हैं, या आपके लफ्ज अलग होते हैं कुछ? नहीं नहीं मेरे लफ्ज कुछ और ही होते हैं, हमसे भी बुरे होते हैं। नहीं आप इनको क्या कहती हैं, ओके इट्स ओके हो जाता है, या आप कहती हैं भाई देखकर खेलते फोकस क्यों नहीं करते, आपको डांटती भी हैं? नहीं नहीं आई थिंक बाकी लोग इतना डांट देते हैं तो अगर मैं भी यही शुरू हो जाऊँ तो क्या अच्छी बात है। क्या भाई भाभी नॉर्वे में सब ऐसे होते हैं या आप एक अलग फैक्ट्री से आई है? पता नहीं कहाँ हो रही है ये खवातीन पैदा, सब नॉर्वे चलो बेटा। एज एन इंडिविजुअल आपको ये तो लगा एहसास, बीच में अल्लाह का शुक्र भी अदा किया होगा कि यार एक इतनी बुरी हिस्ट्री बनी कि पहली बार बांग्लादेश से टेस्ट हार गए, शुक्र है मैं इसका पार्ट नहीं था। देखें तब जब ऐसी कोई लाइफ में ताबिश भाई जब क्रिकेट ना भी हो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, आपका तो यार ऐसी चीज़ में ना इन्वॉल्व हो, तो जैसे मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को जिन जिन का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया मैंने उनको बाद में सुना कि यार थैंक गॉड, जैसे नसीम शाह था वो इंजर्ड था, वो कहता उसके बाद जब हम इंडिया गए तो उसमें नहीं था, वो उसका कैंपिंग का हिस्सा नहीं था, कहते यार शुक्र हो गया कि यार, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कहते हो यार आप ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर सबके आपको आपको खुद भी एम्बेरस भी होता है, और फिर आपको खास तौर पर मुझे लगता है होम पे जब आप हारते हो तो फिर आपको वो भी बांग्लादेश से तो आपको दुख ज्यादा होता है। आते भी तो बहुत सख्त हैं फिर आप लोगों के ऊपर। नहीं देखें मेरे ख्याल से अवाम का हक है, पिछले काफी टाइम हो गया है कि जिस वजह से जो है ना, अब देखें ये लोग प्यार भी बहुत करते हैं, हमें प्यार भी बहुत मिला है, अब जाहिर सी बात है अगर अब एक टाइम आता है अवाम का भी कि वो लिमिट बढ़ जाती है, अब आप यूएसए से आ रहेंगे, बांग्लादेश से आ रहेंगे, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे से, तो फिर अवाम का गुस्सा जायज है। तो इसमें मैं इसलिए कहा कि एज अ टीम एकदम बैड पैच आया है, तो अल्लाह करे हम जल्दी निकलें और दोबारा से वो खुशियां वापस आएं जिसके हम तलबगार हैं। अच्छा भाई वक्त हुआ है हमारे गेम के आइकॉनिक सेगमेंट नजरबंद का, भाभी होगा ये कि पहले मैं इनसे स्टार्ट करूंगा। ए माम ये आई मास्क है, इसको आप यार ये बड़ा ट्रिकी सेगमेंट है आपका, आपने पहले खेला है? नहीं खेला, आप ही नहीं है? हाँ उसको खेला, इसको आप पहन लेंगे और फिर यहाँ पर भाभी तस्वीरें आएंगी वहाँ पे भी आएंगी, तस्वीर किसी जगह जानवर चीज इंसान या कोई लफ्ज भी हो सकता है, ये मुझसे सवालात पूछेंगे, मैंने हिंट्स भी दूंगा और फिर ये वहाँ पहुँच जाएंगे, आप भी दे सकती हैं मगर आप मुझे पता है कैसे आप फौरन पहुँचा देंगे, आप भी देंगे ठीक है, कोई आप हिंट नहीं देंगे, फिर आपसे खेलेंगे ये गेम। दिखाइए सनसनी सनसनी सनसनी, सब चुप रहेंगे बेटा मैं संभालूंगा। ऐसा क्या है भजन, आप लोगों ने चुन के बहुत ही जो है आप नीचे देखो, आप ये नीचे ये जो नीचे से देख रहे हो ना, नहीं नहीं देख रहा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, चीज आ गई है, मतलब तस्वीर आ गई। अच्छा हाँ जी, हाँ जी क्या है? तस्वीर किस चीज की? क्या है? इंसान 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 है। हाँ क्या मतलब इंसान है? लड़का है? लड़का है, पूरा लड़का। अच्छा नहीं बेटा टाइम निकालना है। अच्छा क्या क्रिकेट फील्ड से है कि मेरी फील्ड से? क्रिकेट से बताएं, मैं खुद पहले डिसाइड कर लूं। क्या मतलब क्रिकेट से? मतलब कहता है कि अब मेरा ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से। अच्छा क्या मतलब अब रिटायर हो गया?
ऐसा महसूस तो करा रहे हो। अच्छा हर किसी से नाराज। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद तस्वीर चेंज हो जाएगी, इन्हीं को नहीं गैस करना बार बार, ये तो बता ही नहीं पाएगी। नहीं नहीं क्यों नहीं बता पाएंगे, अभी देख लेना। वाह इमाम आप हिंट नहीं दोगे। नहीं मैं नहीं दे रहा, मैं ठीक है ना। तस्वीर उफ 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 भाभी तस्वीर आ चुकी। ये एक सेंटेंस है, ये एक चीज है, मतलब एक ये होती है माशरे में, एक चीज है ये। एक चीज। हाँ कैसी चीज। कैसी चीज शुरू शुरू में अच्छी चीज। बाद में जलालत, बाद में फिर बस वैसी चीज। लव। ये एक आप आधा तो पहुंच चुकी हो, अगर इसको लीगल कर दिया जाए शादी दोनों को मिला के। लव मैरिज। लव मैरिज। ये देखो आप, ये देखो आप भाभी आप पहने रहे। ये इसको जलालत पे शक हुआ फिर। शुरू शुरू में जो अच्छी बात में जो लकी याद आ गया। हाँ जी भाभी चीज है। हाँ आपने इस्तेमाल की है, आपका तो जहां से आप आई हैं वो तो पूरा मुल्क ही है। फिश। फिश नहीं नहीं फिश नहीं, फिश भी होती है इसमें, इसमें फिश भी है। बैंक। बैंक। बैंक नहीं, बैंक भी अच्छा ऑप्शन है, ये किसी चीज का बैंक भी है। और हिंट। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये इस दो हिस्सों में है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। मगर आजकल, मगर नए दौर में बराबर बराबर आ रहे हैं। और मैं इस्तेमाल करके आई हूँ। आप इस्तेमाल करके आई हैं, सब इस्तेमाल करके आए तकरीबन। शावर। शावर। शावर तो ये तीन लड़के इस्तेमाल करके नहीं आए। अच्छा रात के 2-3 बजे इसकी याद आती है और बड़ी उम्मीद से इसका इस्तेमाल बंदा इसको खोलता है। इसके अंदर कुछ होगा। हाँ निकल रहा था, निकल रहा था। फ्रिज। फ्रिज इज द राइट आंसर। लगाए भाई लगाए। भाई आखिरी इमाम इसमें क्लोज करेंगे और कमाल चीज लगवाएंगे अब। ओ ओ ओ ओ भाई साहब क्या हो गया। तस्वीर बल्कि चेंज कर दो। भाईजान। जी जी भाईजान तस्वीर आ गई। पागल हो रहे लड़के और लड़की। कौन है। कोई नहीं, चीज है चीज। अच्छा इंसान नहीं है। इंसान नहीं है मगर कई इंसान इस तरह के होके बर्बाद हो चुके हैं। अक्सर लड़कों की शिकायत होती है क्या कि हमें इस तरह समझा। मतलब क्या मतलब कोई मतलब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट चीज है। चीज। चीज है। चीज है। किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है। किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है। मेरे भाई सुखाने के लिए। कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है लड़के की लड़कियां। ना बताऊं जी क्वांटिटी के हिसाब से ये यूरोपियन और अमेरिकन मुल्कों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ कम। ज्योग्राफी इसकी है ऐसी, डेमोग्राफिक्स में तो बराबर ही है। अच्छा अब वाह इसका तो कुछ दीन ईमान ही नहीं है, कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। ये तो पसंद ही गंदी चीजें। भाईजान जब आप बहुत नर्वस हों तब भी इस्तेमाल होता है। बहुत आइसक्रीम खाते वक्त भी मैंने देखा है लोगों को इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू। टिश्यू आपने खाने बोला अभी। खाने बोला नहीं बोला। बहुत अच्छा खेला आप। हाँ टिश्यू तक पहुंचे आप। अच्छा बहुत ही मजा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाए। मुझे वाकई भूख लग रही थी तो मैंने वाकई जाके उसका एक बिस्किट लेके मैंने। अभी आप देखो ये कोई चांस नहीं जाने देते हैं लड़के। 2 साल पहले हमारे शो में आए थे, एक लड़की ने इन्हें प्रपोज किया
आप दो साल से उनको उस वक्त आप उनको जानती थी, आपकी बातचीत चल रही थी, उस लड़के की नीयत भी थी। उस लड़की ने कहा क्या मुझसे शादी करेंगे? भाई बंदा बोल देता है नहीं नहीं मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ, अम्मी बात करेंगे। ये नहीं कहा मैंने, अभी क्लिप है वो, मैंने कहा था अम्मी से जाके आप बात करेंगे। और ब्लश भी कर रहे थे। और ब्लश भी कर रहे थे, लाल पीले हो रहे। मेरे साथ मौजूद इमाम उल हक और अनमोल महमूद। अच्छा इमाम ये बताइए, लाइफ में क्योंकि पब्लिक फिगर है, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी आते ही होंगे, तो ना एक बार एक्स्ट्रा बिस्किट विस्किट खा गए कुछ? हाँ जी, एक पुरानी बात है, 2019 का वर्ल्ड कप था, हम इंग्लैंड में खेल रहे थे, तो आपको पता है उस वक्त मोमिन साकिब नए नए फेमस हुए थे। जी जी जी, वो लरस गया, बदल गए हालात। फिर उन्होंने एक दफ़ा वो लगाया था इल्ज़ाम के जी बर्गर खा रहे हैं और ये, हाँ ये भी लगाया। तो उस वजह से फिर एक दफ़ा मीडिया ने ये भी कहा कि रात में ये कैफ़े चले गए इंडिया से पहले, तो वो खैर उस वक्त आना कि सारी चीज़ें कुछ सच इसलिए नहीं थी क्योंकि वो टाइम ही नहीं था, कॉन्टेक्स्ट पता नहीं, कॉन्टेक्स्ट किसी को पता नहीं है, और उसके बाद टाइमिंग नहीं पता कि मैच से किसने, क्योंकि आई थी कि मैच से पहले, हालांकि ये तीन दिन पहले की बात है। तो खैर वो जब आप हारते हो तो फिर ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। तो उस वक्त जो इंग्लैंड में जब ग्राउंड में आप फील्डिंग कर रहे होते ना, तो इधर तो खैर बहुत दूर दूर लोग बैठते हैं, तो उधर जो क्राउड है ना वो बिल्कुल उनके साथ है, और आपको पता है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा क्राउड आता है इंग्लैंड में जब आप खेल रहे थे। तो हम अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे थे और बुरी भी खेल रहे थे साथ साथ, लेकिन मोस्टली हम उधर उस जब हम ये सब वाकया हुआ तो उस वक्त हम साउथ अफ्रीका से मैच चल रहा था, तो उस वक्त हम जूनियर थे, तो सैफी भाई ना पीछे पीछे ही खड़ा करते थे, तो हम बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो एक लड़की जो है ना उसमें एक बर्गर था और एक बिस्किट थे, तो वो लड़की के पास, लड़की के पास, और वो टॉन्ट मारने के चक्कर में ना कि भाई तुम लोग आइसक्रीम भी खा रहे हो, शीशे में बर्गर भी खा रहे हो, तो वो डब्बे में जो है ना वो काफ़ी सारे ना एक दो बर्गर थे और काफ़ी सारे बिस्किट थे, तो वो बार बार ना पिछले कोई 15 मिनट से ना बार बार कही जा रही है कि ये ले बिस्किट खा लें, ये ले बिस्किट खा लें, वो बेसिकली टॉन्ट में कर रही थी, वो समझ रही थी कि वो मेरा मजाक कर रही है और ये छेड़ रही है मुझे। मुझे वाकई भूख लग रही थी, तो मैंने वाकई जाके उसका एक बिस्किट लेके मैंने, अभी आप देखो ये कोई चांस नहीं जाने देते हैं लड़के। दो साल पहले हमारे शो में आए थे, एक लड़की ने इन्हें प्रपोज किया, आप दो साल से उनको उस वक्त आप उनको जानती थी, आपकी बातचीत चल रही थी, उस लड़के की नीयत भी थी। उस लड़की ने कहा क्या मुझसे शादी करेंगे? भाई बंदा बोल देता है नहीं नहीं मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ, अम्मी बात करेंगे। ये नहीं कहा मैंने, अभी क्लिप है वो, मैंने कहा था अम्मी से जाके आप बात करें, और ब्लश भी कर रहे थे, और ब्लश भी कर रहे थे, लाल पीले हो रहे थे। उस दिन जब आपकी इनसे बात हुई, जब वो एपिसोड रिलीज हुई, आपने वो क्लिप देखा, आपने वो क्या कहा कि वहीं कर लो? नहीं, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज ये हुआ है। अच्छा, डांटा नहीं? नहीं, मुझे खुशी हुई, खुशी हुई कि ये मैं अकेली नहीं हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है, इसका मतलब ठीक है ये लड़का, वाह बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई इमाम, ऐसा है कि जाने से पहले एक नया सेगमेंट ऐड किया है, सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल। सख्त सवाल में होगा ये, थोड़ा माहौल बनेगा, और आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उनका सिर्फ आपने यस और नो में जवाब देना, ठीक है? जब तक एक्सप्लेनेशन का ना कहा जाए एक्सप्लेन नहीं करना, तभी बनेगा जरा मामला, ठीक है? ठीक है भाभी, आप इनको सपोर्ट कर सकती है, तो यस बोल दो या नो बोल, माहौल बनाओ बेटा। इमाम सख्त सवाल, सिर्फ यस और नो में जवाब देंगे, क्या आपके साथ टीम में नाइंसाफी हुई? यस। Yes. क्या इस वक्त आप टीम को बेहतर कैप्टन कर सकते हैं? नो। इंजमामुल हक मिसबाहुल हक से बेहतर कप्तान थे? यस। बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट छोड़ देना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए? नो। शादी नहीं करनी चाहिए उन्हें? दोनों नहीं करनी चाहिए। शादी मैंने थोड़ा जल्दी कर ली? नो। शादी काफी लेट की? यस। बचपन में करना चाह रहे थे आप? चार साल पहले करना चाह रहे। फटे हुए मोजे पहने हैं? यस। वाकई में? यस। यार हम लड़के कितने भी अमीर हो जाएं, कितनी मशहूर हो जाएं, कुछ चीजें हमें फटी हुई अच्छी लगती है। अच्छा हंसे भी, ऊपर वाला रोए बस, सब फटे हुए मोजे बनियाने सब, मजा ही उनमें रिलैक्स उसमें फील करता है। कुछ प्लेयर्स टेस्ट के चार दिन नहीं नहाते? नो। सब नहाते? आपने? आई होप सो। कई क्रिकेटर्स से काफी स्मेल आती है? नो। किसी से नहीं आती?
आती है मगर ऐसा नहीं कि मतलब हर वक्त ही आ रही है, हर वक्त ही आ रही है लाइक ह्यूमन। यार जब कोई विकेट लेकर आप लोग दूसरे से मिलती हो यूं कर रहे होते हो उस वक्त कभी होता है भाई क्या है यार? हमारी टीम के बारे में बाकी टीम्स कहती है कि पाकिस्तानी बॉयज सबसे अच्छे जो है सेंट लगा के आते हैं, महंगे बहुत, इसलिए सबके पास इतने जबरदस्त है कि हमेशा खुशबू ही आ रही है। अच्छा भाभी आप ईमानदारी से बताइएगा, बाहर मुल्क की बर्गर खातून है ठीक है, आप बताएं हम जो ये गोरे मुल्क के लोग होते हैं ये परफ्यूम कभी भी लाउड नहीं लगाते, हल्का करते हैं क्योंकि कहते हैं यार जिसको सूंघना है ना वो घुस के सूंघे, हम सूंघाते नहीं गोरे मुल्कों में, जरा बुरा पाकिस्तानी चार किलोमीटर से पता चला अरे इमाम आ रहे हैं। चलो सख्त सवाल, बाउंड्री से कोई खातून आवाज मारे तो पीछे मुड़के जरूर देखता हूं। यस आज बात चल रहे ना, पता चल रहा है आपको भाई कोई मसले में ना हो, प्रॉब्लम ना हो कोई, ग्राउंड में क्यों आएंगी वो अगर मसले ही होंगे उनके पास, घर पे रहेंगी ना वो। अनमोल मेरी पहली मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत हुई नहीं, मोहब्बत बेगम पहली बेगम नहीं है, पहली मोहब्बत नहीं है, पहली समझ नहीं आई सवाल की, आप दो जो भी बोलोगे फंसोगे, इसलिए सवाल रखा है। पहली बेगम पहली मोहब्बत, अरे 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 खुद कह रही है मैंने तो कुछ भी नहीं, पहली बेगम पहली मोहब्बत नहीं है, नो पहली मोहब्बत है क्या? मैं इस वक्त टेस्ट का बेहतरीन ओपनर हूं, नो है और भी है, नो और भी है, वेरी नाइस इमाम आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बात, काफी वक्त आ चुके हैं कि आपके साथ भी सख्त सवाल किए जाएं, यस और नो, ज्यादा वाले सख्त ये सच बता देंगे फिर, पता है मैं एक एक चीज सच बताइए मैंने, वो क्रिकेट की भी थोड़ी पूछूंगा उनसे। अच्छा हाँ फिर भी सही, भाभी रेडी यस और नो, आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप टेंशन नहीं लेना ठीक है, आप बिल्कुल आप बोलना बस। क्या आप रिग्रेट करती हैं कि आपने डॉक्टर से शादी नहीं की? नो रिग्रेट नहीं करती। पाकिस्तान नॉर्वे से बेहतर है? नो ठीक। क्या आपके अब्बू को इमाम अच्छे लगते हैं? यस की बात है, मस्जिद के इमाम नहीं ये वाले। इमाम को देख के आपको सुकून मिलता है? यस सुकून मिलता है आपको। क्या इमाम का गुस्सा जायज होता है? यस ये सोचा झूठ था, सबको पता है इस यस में कोई सच नहीं था। क्या इमाम आपकी पहली मोहब्बत है? यस ये कॉन्फिडेंस था इसके अंदर, ये यकीन था, मेरे को भूखा रखा हुआ था। आ, ऐसा लग रहा था आप कहना चाह रही हैं बार बार कौन गलती कर सकता है ऐसी। क्या इमाम को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? इम्प्रूवमेंट की किस लिहाज से? एज क्रिकेटर एज ह्यूमन बीइंग आई थिंक सब में होता है, इनमें है या नहीं है? यस यस किस चीज में? ही कैन इम्प्रूव एज अ पर्सन, एज अ पर्सन क्या उड़ना शुरू कर दें, क्या करें? Evolve हूँ, सही वक्त के साथ साथ आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात किया। इमाम को क्रिकेट रिलेटेड रियलिटी शो में नहीं बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए, हमारा काम खराब करा दो आज, हम ना करें कुछ, हम शो ना करें, क्यों नहीं बैठना चाहिए? I think इनका वक्त अभी खेलने का है, और उसमें बैठने से टेंशन भी होती है और कॉन्ट्रोवर्सीज भी बनती है, ये कहना चाहते आप? मैंने मशवरा देती थी कि इमाम बस करें। yep. yes. मुझे पहले पता होता मैं भाभी को पहले शो में बुला रहा हूँ। ताबिश हाशमी इमाम से ज्यादा हैंडसम हैं? हाँ मेरा कॉन्फिडेंस चेक करो, मैंने सवाल तब भी किया क्योंकि मुझे पता था कि बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने भाई, बहुत अच्छा मजा आ गया। जाने से पहले थैंक यू इमाम एंड अनमोल, बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, अल्लाह मियां आपकी जोड़ी सलामत रखे, देर पा रखे और खुश रखे आप दोनों को एक दूसरे के साथ। जाने से पहले खवातीन हज़रात मैं करता हूँ कमाल की बात, आज हमारे सामने कमाल का कपल आया था तो मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ इसी से रिलेटेड बात करूँ। अक्सर खवातीन अपने मर्दों को देखती हैं और कहती हैं कि भाई शादी से पहले तो आप बड़े रॉ थे, मैंने आपको बदल दिया, और एक और शिकायत भी करती हैं कि शादी से पहले तो आप बड़े शोको चंचल थे, अब आप बिल्कुल ही बदल चुके हैं। तो मसला ये होता है कि आदमी 30 साल की उम्र में मुख्तलिफ सोचता है और 50 साल की उम्र में मुख्तलिफ सोचता है, वो इवॉल्व हो चुका होता है, एक दूसरे की खामियों के साथ एडजस्ट करना सीखे, क्योंकि एडजस्ट करेंगे तभी इसमें सुकून पैदा होगा। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, इमाम आप तो क्रिकेटर हैं, 12 बजे सो जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं हमेशा पहले थोड़ा सा जो है हम मैं क्या ये भी थोड़ा सा हम नेटफ्लिक्स देखते हैं,
फिर डिपेंड करता है कि अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो फिर नहीं देखते ऑब्वियसली, वरना मैं नेटफ्लिक्स देखते हैं। भाभी आप भी यही रूटीन है, नेटफ्लिक्स देखती हैं कुछ सीरीज? मसला ये हुआ जब से शादी हुई है, एक प्रॉब्लम तो मेरी हुई है, क्या बाकी सब तो अच्छा है, मगर अब साल आप कोई सीरीज नहीं देख पाते हम अकेले। अब और बेगम के साथ देखना पड़े ना तो एक सीरीज दो दो साल चलती है भाई। मैं थी नहीं, वहाँ था नहीं, वो हुआ कैसे, वो हुआ कैसे? अभी होता है नहीं, आप लोगों को कुछ बुरा नहीं होता क्या? अब ठीक है। मैंने क्या किया है? कितने महीने हो गए माशाल्लाह? मुझसे क्यों पूछ रहे भाई? मैं 9 महीने माशाल्लाह। अभी तो है ना, वारंटी में चल रही है, अभी तो खुलेगा ये लड़का, अभी आप बहरहाल सोइए, जल्दी उठिएगा सुबह, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।